बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज हम प्रतीत्य समुत्पाद, जिसको काजोर इफेक्ट का लाभ ही कहते हैं, या जिसको कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं, विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप शांत चित्त होकर और ध्यान देकर इसको समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसको समझने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके ज्ञान के चक्षु और खुलेंगे, और आपको जो एनालिसिस करने का तथागत का जो सिस्टम है वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। और तथागत का जो कि उद्देश्य था वो उद्देश्य समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम चार आर्य सत्य को देखते हैं तो हमें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ पाती है, और उसकी व्याख्या लोगों ने अपने अपने तरीके से करके भी रखे, इसके कारण भी बहुत सारा नासमझ पैदा हो जाता है। तो हम ज़्यादा समय न लेके सीधे प्रतीत्य समुत्पात पर बात करेंगे। तो ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत कुरु देश में, कुरुओं के कस्बे यानी निगम में, कम्मास दम्म में विहार करते थे। तब आयुष्यमान भंते आनंद जहां तथागत थे वहां जाकर अभिवादन कर एक और बैठ गए, और एक और बैठे आयुष्यमान आनंद ने तथागत से कहा, आश्चर्य है बनते, अद्भुत है बनते, कितना गंभीर है और गंभीर सा दिखता है यह प्रतीत्य समुत्पाद, परंतु मुझे तो साफ साफ दिखाई पड़ता है। तथागत ने कहा, ऐसा मत कहो आनंद, ऐसा मत कहो आनंद, आनंद यह प्रतीत्य समुत्पाद गंभीर है और गंभीर सा दिखता भी है। आनंद इस धम्म के न जानने से, न प्रतिबोध करने से यह प्रजा उलझे सुत के समान और गाठे पड़ी रस्सी सी मुंज वलवज दुर्गति अर्थात पतन को प्राप्त हो संसार से नहीं पार हो सकती। तथागत ने कहा, आनंद क्या जरा मरण सकारण है? किस कारण से जरा मरण होता है? कोई यह पूछे तो कहना चाहिए, जन्म के कारण जरा यानी बुढ़ापा, मरण यानी मृत्यु होता है। क्या जन्म सकारण है पूछने पर कहना चाहिए, किस कारण से जन्म होता है? तब कहना चाहिए, भव अर्थात आवागमन आना जाना के कारण जन्म होता है। क्या भव सकारण है यह पूछने पर कहना चाहिए, उपादान अर्थात आसक्ति के कारण भव है। उपादान अर्थात आसक्ति सकारण है तब कहना चाहिए, ना के कारण उपादान होता है। किस कारण से तृष्णा है तब कहना चाहिए, वेदना के कारण तृष्णा है। और किस कारण से वेदना है
तो वेदना स्पर्श से कारण से है। स्पर्श अर्थात इंद्रिय विषय भोग संयोग का। स्पर्श किस कारण से है? षडायतन के कारण स्पर्श है। और षडायतन नाम रूप के कारण है। नाम रूप किस कारण से है? नाम रूप विज्ञान के कारण से है। इस प्रकार आनंद नाम रूप के कारण विज्ञान, विज्ञान के कारण नाम रूप, और नाम रूप के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, और तृष्णा के कारण उपादान, और उपादान के कारण भव। यहाँ उपादान का अर्थ आसक्ति है और भव का अर्थ अवागमन है। भव के कारण जन्म, जिसको जाति कहा जाता है, और जन्म के कारण जरा मरण, और जरा मरण के कारण शोक परिदेव अर्थात रोना पीटना दुख, दोर्मनुष्य यानी मन का संताप, अपायास परेशानी होती है। इस प्रकार केवल संपूर्ण दुखपुंज रूपी लोक का समुदाय की उत्पत्ति होती है। तो आनंद जन्म के कारण जरा मरण यह जो कहा गया है इसे इस प्रकार जानना चाहिए। इसलिए आनंद जरा मरण का यदि हेतु यानी निदान जो कि यह जन्म है, भव अर्थात अवागमन के कारण जाति अर्थात जन्म होता है, यह जो कहा गया आनंद इस प्रकार जानना चाहिए। यदि आनंद सर्वता सब किसी का कोई भव न होता तो भव के सर्वता न होने पर, भव के सर्वता अभाव होने पर, भव के निरोध होने पर क्या आनंद जन्म दिखाई पड़ता? नहीं बनते। इसलिए आनंद जन्म यही हेतु है जो यह भव। तो उपादान अर्थात आसक्ति के कारण भव होता है, यह जो कहा इसे आनंद इस प्रकार जानना चाहिए। यदि आनंद सर्वता किसी का कोई उपादान न होता, जैसे काम उपादान यानी भोग की आसक्ति, दृष्टि उपादान यानी धारणा की आसक्ति, शील वृत्त उपादान या आत्मवाद आत्मा के नित्यता का उपादान, उपादान सर्वता न होने पर क्या आनंद भव होता? नहीं बनते। इसलिए आनंद भव का यही हेतु है जो कि यह उपादान। तृष्णा के कारण उपादान होता है। यदि आनंद तृष्णा न होती, जैसे कि आनंद रूप तृष्णा, शब्द तृष्णा, गंध तृष्णा, रस तृष्णा, स्पष्ट यानी स्पर्श तृष्णा, धर्म यानी मन के विषय की तृष्णा, तृष्णा के सर्वता न होने पर क्या आनंद उपादान जान पड़ता? नहीं बनते। इसलिए आनंद उपादान यही हेतु है जो कि तृष्णा, वेदना के कारण तृष्णा है। यदि आनंद सर्वता वेदना न होती, जैसे कि चक्षु संस्पर्श यानी चक्षु और रूप के योग से उत्पन्न वेदना, स्रोत के संसर्ग से उत्पन्न वेदना, घ्राण के संस्पर्श से उत्पन्न वेदना, जीवा के संस्पर्श से उत्पन्न वेदना, काय के संस्पर्श से उत्पन्न वेदना, मन के संस्पर्श से उत्पन्न वेदना,
वेदना की सर्वता न होने पर क्या आनंद तृष्णा जान पड़ती? नहीं बनती। इसलिए आनंद तृष्णा का यही हेतु है जो कि यह वेदना। इस प्रकार आनंद वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण परेक्षणा यानी अर्थात खोजना, और परेक्षणा के कारण तृष्णा, लाभ के कारण विनिश्चय यानी दृढ़ विचार, और विनिश्चय के कारण छंदराग यानी प्रयत्न की इच्छा, और छंदराग के कारण अध्यवेशान यानी प्रयत्न, अध्यवेशान के कारण परिग्रह अर्थात जमा करना, और परिग्रह के कारण मासर्य अर्थात कंजूसी, और मासर्य के कारण आरक्षा अर्थात हिफाजत, और आरक्षा के कारण दंड ग्रहण, शस्त्र ग्रहण, विवाद ग्रहण, तूतु मैमर, चुगली, झूठ, अनेक बुराइयां, अकुशल कार्य होते हैं। तो आनंद, आरक्षा, हिफाजत के कारण दंड ग्रहण या बुराइयां होती, यह जो कहा है इस प्रकार से जानना चाहिए। यदि सर्वता आरक्षा हिफाजत न होती, आरक्षा न होने से क्या आनंद दंड ग्रहण बुराइयां होती? नहीं बनती। इसलिए आनंद यह जो आरक्षा है, यह इस दंड ग्रहण पापों की बुराई का उत्पत्ति का हेतु ये समुदाय प्रत्यय है, तो मासर यानी कंजूसी के कारण आरक्षा है। यह जो कहां सो इसे आनंद, इस प्रकार जानना चाहिए। यदि आनंद सर्वता किसी को कुछ भी मासर्य न होता, तो सब तरह मासर्य के अभाव से मासर्य अर्थात कंजूसी के निरोध से क्या आरक्षा देखने में आती? नहीं बनती। इसलिए आनंद आरक्षा का यही हेतु जो कि कंजूसी है। तो परिग्रह ने जमा करने के कारण कंजूसी है। यदि आनंद सर्वथा किसी का कुछ भी परिग्रह न होता, तो क्या कंजूसी दिखाई पड़ती है? नहीं बनती। तो अध्यवसाय के कारण परिग्रह है। यदि आनंद सर्वता किसी का कुछ भी अध्यवेशन न होता, क्या परिग्रह ने बटोरना देखने में आता? नहीं बनते। छंद राग के कारण अध्यवेशन होता है। यदि आनंद सर्वता किसी का कुछ भी छंद राग न होता, तो क्या अध्यवेशन ने प्रयत्न देखने में आता? नहीं बनते। विनिश्चय के कारण छंद राग होता है। यदि आनंद सर्वता किसी का विनिश्चय ने दृढ़ विचार न होता, तो क्या छंदराग प्रयत्न की इच्छा या आसक्ति देखने में आती? नहीं बनती। लाभ के कारण विनिश्चय ने दृढ़ विचार है। यदि आनंद सर्वता किसी को कुछ कहीं कुछ लाभ न होता, तो क्या विनिश्चय दिखाई देता? नहीं बनती। परेशना यानी खोजने के कारण लाभ होता है। यदि आनंद सर्वदा किसी का कोई परेक्षणा न होती, तो क्या लाभ दिखाई देता? नहीं बनते। तृष्णा के कारण परेशना होती है। यदि आनंद सर्वदा किसी को कोई तृष्णा न होती, तो क्या परेशना दिखाई पड़ती? नहीं बनते। स्पर्श के कारण तृष्णा होती है। यदि आनंद स्पर्श न होता, तो क्या तृष्णा दिखाई पड़ती? नहीं बनते। नाम रूप के कारण स्पर्श होता है। तो यह जो कहा है, इसको इस प्रकार जानना चाहिए। जैसे कि नाम रूप के कारण स्पर्श होता है, जिन आकारों, जिन लिंगों, जिन निमित्तों, जिन उद्देश्यों से नाम काय यानी नाम का समुदाय का ज्ञान होता है, उन आकारों, उन लिंगों, उन निमित्तों, उन उद्देश्यों के न होने पर क्या रूप काय, रूप समुदाय का अधिवचन अर्थात नाम देखा जाता? नहीं बनते। आनंद जिन आकारों, जिन लिंगों से रूपकाय का ज्ञान होता है, उन आकारों के
न होने पर क्या, क्या नाम काय में प्रतिग संस्पर्श अर्थात रोग का योग दिखाई पड़ता नहीं बनते। आनंद जिन आकारों से नाम काय और रूप काय ज्ञात होता है उन आकारों के न होने पर क्या अधिवचन संस्पर्श या प्रतिग संस्पर्श दिखाई पड़ता नहीं बनते। आनंद जिन आकारों जिन लिंगों जिन निमित्तों जिन उद्देश्यों से नाम रूप का बोलना यानी प्रज्ञापन होता है उन आकारों उन लिंगों उन निमित्तों उन उद्देश्यों के अभाव में क्या स्पर्श यानी योग दिखाई पड़ता नहीं बनते। इसलिए आनंद स्पर्श का यही हेतु यही निदान यही समुदाय यही प्रत्यय जो कि नाम रूप तो विज्ञान के कारण नाम रूप होता है। यदि आनंद विज्ञान यानी चित्त जारा जीव माता के कोख में ही नहीं आता तो क्या नाम रूप संचित होता है? नहीं बनते। आनंद यदि केवल विज्ञान ही माता की कोख में प्रवेश कर निकल जाए तो क्या नाम रूप इसके लिए बनेगा? नहीं बनते। कुमार या कुमारी के अति शिशु रहते ही यदि विज्ञान छिन्न हो जाए तो क्या नाम रूप वृद्धि या विपुलता को प्राप्त होगा? नहीं बनते। इसलिए आनंद नाम रूप का यही हेतु है जो कि विज्ञान। तो नाम रूप के कारण विज्ञान होता है और आनंद यदि विज्ञान नाम रूप में प्रतिष्ठित न होता तो क्या भविष्य में आगे चलकर जन्म जरा मरण दुख उत्पत्ति दिखाई पड़ते? नहीं बनते। इसलिए आनंद विज्ञान का यही हेतु है जो कि नाम रूप। तो आनंद यह जो विज्ञान सहित नाम रूप है इतने में से ही जन्मता बूढ़ा होता मरता उत्पन्न होता है इतने से ही अधिवचन नाम संध्या व्यवहार होता है इतने से ही निरुक्ति यानी भाषा का व्यवहार इतने से ही प्रज्ञा यानी ज्ञान का विषय है और इतने से ही इस प्रकार को जतलाने के लिए मार्ग वर्तमान है अर्थात आजकल कहा जाता है इसको कि इस प्रकार आजकल की भाषा है। तो जन्म क्यों होता है और विज्ञान और नाम रूप का संबंध बड़ा समझने की जरूरत है। विज्ञान ने जो कुछ भी हम चीज़ें जानते हैं वो तो बहुत डीपली ये समझने की जरूरत है कि जो प्रतीत्य समुत्पाद है वो दिखाई सिंपल पड़ता है लेकिन सिंपल नहीं है, दिखाई सिंपल पड़ता है लेकिन सिंपल नहीं है, ज्ञान सिंपल पड़ता है लेकिन सिंपल नहीं है। समझना है इसको कि एक से दूसरी घटना कैसे घटती है। तो तथागत यही कहना चाह रहे हैं कि यदि विज्ञान नाम रूप के साथ संबंध ही नहीं स्थापित हो विज्ञान का यानी ज्ञान लेने का यानी विज्ञान जो हम जीव धारा है चित्त की धारा है इसका नाम रूप के साथ संबंध ही स्थापित नहीं हो या आके माँ के कोख से निकल के बाहर चला जाए तो जन्म ही नहीं होगा। लेकिन जब नाम रूप बनता है उसके साथ में विज्ञान जुड़ जाता है तो जैसे विज्ञान जुड़ता है यानी चित्त की धारा जुड़ती है तब जन्म पैदा होता है। तो एक एक घटना दूसरे घटना को निर्माण करती है और इसलिए जब जन्म होता है इसलिए बुढ़ापा होता है और जब बुढ़ापा होता है इसलिए दुख भी पैदा होता है और बीमारी भी पैदा होती है। तो यहाँ तथागत जो बात कह रहे हैं वो है चित्त शुद्धि के बारे में। जब बात तथागत कहते हैं उसका रीज़न ही हुई है कि ये बार बार शरीर का जो बनना है इसका रोकना जरूरी है, इसका रोकना जरूरी है शरीर के बनने का। और शरीर के बनने का अगर आप रोकते हो तो रोकने का जो मार्ग है तो इसी दुख का मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग का है। क्योंकि आप एक ऊर्जा का स्रोत हो, आप एक ऊर्जा का स्रोत हो, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं शरीर के कारण सब कुछ जान रहा हूँ। विज्ञान के कारण आप जानते हो, वो परमानेंट रहने वाला, ये बड़ी शोध है तथागत। आज जो लोग
जिस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, वो ये नहीं चीज़ समझ पा रहे कि वो सोचते हैं कि मरने के बाद सब कुछ खत्म होता, कुछ सब कुछ नहीं होता है। सभी धातुएं विखंडित विखंडित होती है, अलग अलग विखंडित होती है। तो एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के उन्होंने बताया, और लास्ट टाइम ये बताया कि विज्ञान ही सब कुछ है। विज्ञान ने जो आप कोई चीज़ जानते हो, जो आपके अंदर का चेतन है, चेतन चित्त के साथ कनेक्टेड, तो जो चित्त है, चित्त के अंदर की जो धारा है, जो जीव है, जो धारा है जिसको कहा है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको समझना है, इसी को समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। और प्रतीत्य समुत्पात के विषय में, और इस पे आगे चैप्टर भी हमारे शुरू रहेंगे, लेकिन आज आपके लिए एक नई शोध है, वो है कि किस प्रकार से प्रतीत्य समुत्पात वर्क करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसलिए तथागत ने कहा है कि कंजूसी नहीं करना है। तो कंजूसी नहीं करने का मतलब क्या है? कंजूसी नहीं करने का मतलब क्या? दानशील होना है। कंजूसी नहीं करने का मतलब दानशील होना है, संग्रहण न करके उसको परिचलन में रखना है। जैसे आज हम एक कोटि के अंदर में अरबों खरबों का धन धान्य इकट्ठा करते, लेकिन वो पब्लिक में नहीं जाने देते। लोग सोचते कि इतना पैसा आएगा तो हम देंगे, कंजूसी करते, किसी को कुछ नहीं देते, और उनको मालूम है कि उनकी उम्र निकलते जा रही है, वो पैसा कोई काम नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी लोग परेशान है, चिंतित है हर चीज़ से। तो ये सारी चीज़ का उन्होंने कल्पना नहीं है, ये कल्पना नहीं है, सत्य बताया। तो यहाँ पर अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि फिर हम प्रयत्न काय के लिए करें, भाई हम हिफाजत किस चीज़ के लिए करें? नहीं, तथागत ने अच्छे रास्ते से धन संग्रहण करने के लिए भी बात कही है। तथागत ने अच्छे रास्ते धन संग्रहण करने की बात की है। महामंगल सूत्र के अंतर्गत उन्होंने बताया कि शिल्प सीखो, अच्छा ज्ञान अर्जन करो, धन संपत्ति इकट्ठा करो, इकट्ठा करके अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण भी करो, अच्छे चीज़ों के लिए दान भी दो, और दान भी दो और बुरे लोगों से उसको बचाओ भी। तो संपत्ति का संग्रहण करना है, लेकिन अच्छी चीज़ों के उपयोग के लिए करना है। कि उसका ऐसा नहीं कि पानी इकट्ठा करके रख दिया और बस उसको कोई उपयोग नहीं किया तो गंदा हो जाएगा। वो उपयोग करने वाली चीज़ें, धन धान्य भी उपयोग करने वाली चीज़ें हैं। तो किसी भी चीज़ को लिमिटेशन नहीं लगाना, मतलब तथागत कहते ना कि मैं पृथ्वी को पृथ्वी जैसे मानता हूँ, उसका उपयोग करता हूँ। तो आप पार्क में गए, पार्क का उपयोग करो हर चीज़ को, मतलब ये नहीं बाउंड्री वाल लगा के रखो कि मेरा आंगन इतना है और इस आंगन से तुम इधर नहीं जाना, तुम उधर नहीं, संकुचित नहीं बनना है। आपको उदारवादी बनना है, आपको एक दूसरे के भावनाओं का ख्याल रखना है, एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखना है, एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे के काम में आना, ये तथागत का मूल है। तो मैत्री वाला व्यवहार करना, क्योंकि आपके अंदर दानशीलता होगी, उदारता होगी, कंजूसी नहीं होगी, तो आप क्या है, आपको कुछ करने का आनंद भी आएगा, प्रयत्न करने का। तो ये समझने वाली बात है, इस पर बहुत सारा लेक्चर तैयार किया जा सकता है, और हम यही चाह रहे हैं कि आप इसको गहराई से समझें, और समझ के इसके नीचे अपने कमेंट ज़रूर लिखें, कमेंट लिखें, और कमेंट लिख के इस पर अपने वक्तव्य भी दें। आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो, आप परिवार मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ आनंदपूर्वक जीवन जिए, आप स्वस्थ हो, आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ हो, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, और आपकी सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हो, और तथागत का मार्ग आपको समझने में आए, जानने में आए। आपके लिए मंगल कामना, शुभ मंगल कामना। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।